नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की उत्तर में विकास यात्रा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित और बाल्टिस्तान के हिस्सों में पहुंचने के बाद पूरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके अंजाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि गिलगित और बाल्टिस्तान के बारे में बात करके भारत क्या संदेश देना चाहता है और वो कौन से अत्याचार हैं जो पीओके के लोगों पर किए जा रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि 4 महीने के भीतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर से पीओके के बारे में दिया गया यह दूसरा बयान है। हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले जब जुलाई में रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर गए थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को फिर से हासिल करने की वकालत करते हुए कहा था कि यह भारत का हिस्सा है और रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि हम पर बुरी नज़र डालने वाला कोई भी हो भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जहां तक पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की बात है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस भाग पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसके उत्तरी क्षेत्र को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान सरकार ने कुछ समय पहले इस क्षेत्र को अपना 5वां प्रांत भी घोषित किया था। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चल रही चीनी परियोजनाओं को लेकर स्थानीय लोग नाराज चल रहे हैं और यहां अक्सर विरोध प्रदर्शन और दंगे होते रहते हैं। हाल ही में इस तरह की खबरें भी आई थीं कि पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र को चीन को पट्टे पर देना चाहती है। दरअसल दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बनाने और भारतीय सीमाओं के निकट पहुँचने को आतुर दिख रहा चीन गिलगित बाल्टिस्तान इलाके पर बहुत समय से नज़रें गड़ाए हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी इसी क्षेत्र से गुजरता है, इसीलिए चीन के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण कड़ी है। इसीलिए जब भारत गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहा है तो वह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन पर भी निशाना साध रहा है। जहाँ तक गिलगित बाल्टिस्तान के वर्तमान परिदृश्य की बात है तो आपको बता दें कि इस क्षेत्र के लोगों के साथ पाकिस्तान सरकार की बेरुखी और भेदभाव की वजह से ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कम अधिकार दिए गए हैं। यहाँ साल 2020 में पाकिस्तान ने भारत को चिढ़ाने के लिए जबरन विधानसभा चुनाव करा दिए थे लेकिन स्थानीय सरकार के पास ज़्यादा अधिकार ही नहीं है। 20 लाख की आबादी वाले इस शिया सुन्नी क्षेत्र के लोगों का पाकिस्तान की सरकार में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। पाकिस्तान सरकार इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो खूब करती है लेकिन इसके बदले में देती कुछ नहीं है। यही नहीं, बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से इस क्षेत्र को दूर रखा गया है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र पाकिस्तान के राष्ट्रीय ग्रिड का हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ 24 घंटे में मात्र 2-3 घंटे ही बिजली आती है। यही नहीं, किसी भी विद्युत या अन्य परियोजना पर भी इस क्षेत्र का अपना नियंत्रण नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के लोग बेरोजगारी, बिजली की कमी, शिक्षा का अभाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बड़ी कमी के चलते पहले ही परेशान चल रहे हैं और सर्वाधिक पलायन की खबरें भी यहीं से आती हैं। इस क्षेत्र में बेहाली का क्या आलम है यह इसी बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं इसी इलाके में होती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अक्सर इस क्षेत्र के साथ सौतेलापन और बर्बरता बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं और पूर्ण स्वायत्तता की मांग करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा रहे गिलगित बाल्टिस्तान के दर्जे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समझौते का सम्मान करना चाहिए। कई बार यह भी देखने में आया है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मांग की है कि वहाँ हो रहे अमानवीय अत्याचार बंद करवाए जाएँ, लेकिन उसके बावजूद हालात में कोई बदलाव नहीं आया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी आँखें मूंदे हुए है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप लगाकर जीवन भर के लिए जेलों में ठूंस दिया जाता है और इस क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट किया जा रहा है। इन लोगों का यह भी कहना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीनों से भी हाथ धोना पड़ा है। जहाँ तक पीओके के लोगों के साथ हो रहे अन्याय की बात है तो आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना के खिलाफ यहाँ के लोगों के मन में गहरा आक्रोश है। पिछले कुछ समय से यहाँ के लोग चीन की ओर से क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के किए जा रहे दोहन के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम जल विद्युत परियोजना के खिलाफ जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था
उसको देखकर पाकिस्तान सरकार हिल गई थी, इसलिए उस प्रदर्शन का बलपूर्वक दमन किया गया था। यही नहीं, पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना की ओर से जबरन भूमि कब्जे के खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या से इस समय पीओके का हर आदमी परेशान है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव तो है ही, साथ ही बेरोजगारी और कमीशन खोरी ने हर आदमी का जीना मुहाल कर रखा है। यही नहीं, आईएसआई की ओर से अक्सर लोगों पर की जाने वाली छापेमारी भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। साथ ही लोगों का आरोप है कि यहाँ पर सर्वाधिक बिजली बनने के बावजूद लोगों को पूरे समय बिजली सप्लाई नहीं की जाती और उसे बाहर बेच दिया जाता है। हालिया समय में कई बार यहाँ खुलकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग करते रहे हैं। पीओके में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तान से आज़ादी के नारे तो लगाए ही जाते रहते हैं। साथ ही कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पाक हुक्मरानों के होश उड़ा दिए थे। पीओके के दर्दयाल शहर में एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवीर अहमद ने पाकिस्तानी झंडा उतार दिया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा एजेंसियां उठा कर ले गई थी। यही नहीं, महंगाई के आसमान पर पहुंच जाने के खिलाफ हाल में स्थानीय नेताओं का विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक हो गया था कि हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे। पुलिस ने जब कुछ स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया तो महंगाई के खिलाफ आंदोलन हिंसक हो उठा और पीओके में नागरिकों और पुलिस के बीच झड़पों में कई नागरिक मारे गए। पीओके के स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उनका विभिन्न तरह से शोषण कर रही है। देखा जाए तो पीओके के लोग इस्लामाबाद की मनमानी से तंग आ चुके हैं और लोगों को अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीओके के लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान सरकार अपनी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र को अपना अड्डा बनाए हुए है। यहाँ पर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में इस क्षेत्र की बदनामी होती है, यहाँ के लोगों की बदनामी होती है। पीओके के लोगों का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की शह पर यहाँ के युवाओं को बरगलाया जाता है, भारत विरोधी अभियानों में लगाया जाता है, उनकी गरीबी का नाजायज फायदा उठाया जाता है, इसलिए ये लोग पाकिस्तान से मुक्ति चाह रहे हैं। बहरहाल, जहाँ तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र तक भारत के पहुँचने संबंधी बयान की बात है, तो हम आपको बता दें कि उन्होंने 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए यह बात कही थी। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2016 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के हालात की बात की थी और कहा था कि बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने उनके मुद्दे उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।